हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो A3 प्रो फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो A3 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपका जो नेटवर्क है गाइस बहुत ही कम हो चुका है, या बार बार इमरजेंसी कॉल हो जा रहा है, या आपका जो मोबाइल डाटा है वो स्लो हो चुका है, या कॉल आने पर जो आवाज़ है वो अटक अटक के आ रहा है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का। तो इस एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन आएगा, इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का, तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न या पासवर्ड इसको डालना है, डालने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका जो नेटवर्क सेटिंग्स होता है गाइस, आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स है वो यहाँ पर से कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा और आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। या आप लोग अपने सिम को निकाल के भी फिर से लगा के चेक कर सकते हो, सिम 1 पे है तो 2 पे लगा सकते हो, 2 पे है तो 1 पे लगा सकते हो। ये सब करने से भी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो A3 प्रो फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।